नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हांगकांग का मुद्दा उठाकर चीन के दुखती रख पर हाथ रख दिया है। चीन की तरफ से हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने को लेकर भारत ने यूएन के सामने अपनी चिंता जताई है। भारत का कहना है कि हांगकांग में भारी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, ऐसे में चीन के कदम से इस वैश्विक वित्तीय केंद्र के स्वतंत्रता और स्वायत्तता को चोट पहुंचेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव के चंदर ने कहा, हांगकांग को बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय ने घर बनाया है। हमने हांगकांग में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर कई चिंताजनक बातें सुनी है। हमें उम्मीद है इस मसले से संबंधित सभी पक्ष ध्यान देंगे और इसका बेहद गंभीरतापूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाएगा। बता दें कि चीन ने हांगकांग के लिए विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया है। खबरों के मुताबिक चीन के शीर्ष विधायी निकाय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी ने मंगलवार को सर्वसम्मति से कानून को मंजूरी प्रदान की। इस नए कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वालों को अधिकतम उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। इससे पहले चीन की संसद ने कानून का समर्थन करते हुए चर्चा के लिए इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया था। मंगलवार को कानून को मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के 162 सदस्यों ने कानून पेश किए जाने के महज 15 मिनट के अंदर ही सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी। हांगकांग में ये कानून 1 जुलाई से प्रभावी हो गया। 1997 में ब्रिटेन द्वारा हांगकांग को सौंपे जाने से पहले चीन ने इस पर सहमति जताई थी कि वो 2047 तक हांगकांग को कुछ स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने देगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग के नागरिकों के लिए उस स्वतंत्रता की अनदेखी करता है। इसी को लेकर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत परिषद के 27 सदस्य देशों के चीन के इस कदम के प्रति विरोध जताया है। इसी को लेकर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत परिषद के 27 सदस्य देशों ने चीन के इस कदम के प्रति विरोध जताया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।